इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जून से 7 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता को दर्शाने के लिए पाटन ब्लॉक के ग्राम फूडा में अर्बोरिटम वनस्पति वाटिका बनाया जा रहा है। यहाँ आकर लोग अपने और अपने आसपास के पर्यावरण व हर पेड़ पौधों के महत्व को जान पाएंगे। फूडा में बनने वाला वनस्पति वाटिका दुर्ग संभाग का पहला वनस्पति वाटिका होगा। अगला पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2030 तक के लिए भारत और उसके राज्यों की SDG की प्रगति को मापने के लिए SDG इंडेक्स तैयार की गई है। SDG इंडेक्स का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के असमानता में कमी लाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीर्ष रैंक हासिल हुई। वहीं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को 15वीं रैंक हासिल हुई। सतत विकास और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने, समावेशी समाज का निर्माण करने के मामले में राज्य को 17वीं रैंक हासिल हुई। राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, राज्य के रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड ग्राम बेमता सरोरा में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारम्भ किया गया। इस फूड पार्क में फलों और सब्जियों के गूदे, टमाटर, आम, ब्लूबेरी, पपीता, आंवला, करेला, इन सभी के गूदे और जूस तैयार करने की अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध होगी। अगला पॉइंट है, बस्तर गर्ल पर्वतारोही नैना सिंह धाकर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर और माउंट लोथ से 8516 मीटर को फतह किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे प्रदेश की पहली महिला बनी। ऐसी भी खबर आई कि वापसी के समय उन्हीं की प्रतिद्वंदी रायगढ़ की यासी जैन ने उनकी जान बचाई। अगला पॉइंट है, 31 मई को राज्य योग आयोग द्वारा कोरोना के बचाव हेतु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वर्चुअल योगाभ्यास और योगा परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा 31 मई को शुरू किया गया। एक वर्ष तक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से योगाभ्यास कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह और शाम प्रसारित की जाएंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के रहवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस AK पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 627 केस वापस लेने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने पटनायक समिति की सिफारिश पर 594 मामलों को वापस लिया, जबकि अन्य मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया लंबित है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में साग सब्जियों और फलों के प्रसंस्करण के लिए राज्य में 110 फूड पार्क स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के उपाय सुझाने हेतु 9 टास्क फोर्सेस का गठन किया गया। टास्क फोर्सेस द्वारा देश व स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ और जमीनी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर उचित नीतियां सुझाई जाएगी। अगला पॉइंट है, लघु वनोपज उपार्जन में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सेवानिवृत्त डॉक्टर SK सिंह द्वारा लिखित पुस्तक पंच, कैलाश, केदार, बद्री और मानसरोवर यात्रा एक अनुभूति का विमोचन किया। यह पुस्तक कैलाश मानसरोवर यात्रा वृत्तांत पर लिखा गया पुस्तक है। इसके लेखक हैं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सेवानिवृत्त डॉक्टर SK सिंह। अगला पॉइंट है, नवा रायपुर अटल नगर में अत्याधुनिक सुविधा युक्त फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से धान सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच की जा सकेगी। केंद्र सरकार की किसान संपदा योजना के तहत लेबोरेटरी का निर्माण
व मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अनवर ढेबर का चयन किया गया है। अगला पॉइंट है, कोरोना से दिवंगत मीडियाकर्मी के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई। बजट भाषण 2021-22 में मीडियाकर्मियों की असामयिक मृत्यु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका क्रियान्वयन शुरू किया गया है। कोविड से पीड़ित मीडियाकर्मियों के इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है, देश में तितलियों की चुनिंदा प्रजातियों में से एक जोकर बटरफ्लाई को दुर्ग जिले के चरोदा में देखा गया। अगला पॉइंट है, मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने में राजनांदगांव जिला प्रदेश में पहले नंबर पर रहा। अगला पॉइंट है, वन विभाग चालू वित्तीय वर्ष में 99 लाख से अधिक वृक्ष लगाएगी। अगला पॉइंट है, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में झूलन टेटका देखा गया। यह छत्तीसगढ़ में मिलने वाली एक दुर्लभ जीव है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित ऑनलाइन स्टेट चेस चैंपियनशिप में रायपुर के प्रियांशु साहू विजेता रहे। अगला पॉइंट है, बस्तर को नवाचार से जोड़ने टेक्नोलॉजी हब एवं इनोवेशन नेटवर्क फॉर नॉलेज बस्तर थिंक टैंक का गठन किया गया, जिसके द्वारा उद्यमिता में महिलाओं को प्रोत्साहित करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने कंपोजिट एचडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 2020-21 जारी की। इस रिपोर्ट में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आकलन हेतु एक कंपोजिट स्कोर 0 से 100 के मध्य दिया गया। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य को 19वां स्थान प्राप्त हुआ, वहीं राज्य का स्कोर 61 प्राप्त हुआ। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट के साथ अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद को लॉन्च किया। सुपर कंपोस्ट खाद सहकारी समितियों में 2 किलो, 5 किलो और 30 किलो के बैग में मिलेगी। इसका न्यूनतम मूल्य 6 रुपये प्रति किलो होगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जून से 7 जून के मध्य के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।